जत्रे विधायक रामचंद्र दांगी ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में जाकर गांधी चौपाल लगाई, जहां उन्होंने ग्रामीणों को राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताया एवं बढ़ती बेरोजगारी महंगाई के विषय पर गंभीर रूप से भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। उनकी जनसंपर्क यात्रा में सुठालिया से वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि मोहसिन खान भी भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विधायक रामचंद्र दांगी ने राजधानी तक पर भी क्या कहा, आप भी सुने। सुठालिया से रवि सलावट की रिपोर्ट। बताइए, भारत जोड़ो यात्रा आज जो आपने प्रारंभ की, इस संबंध में बिहार विधानसभा में हमने भारत जोड़ो यात्रा और गांधी चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है। आज सब लोगों ने की शुरुआत की है। करीब हम 9 गांव में सवेरे 11 बजे से गांव गांव गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। और हम यही संदेश दे रहे हैं कि लोगों को एक रहिए, सद्भाव रहे, प्रेम रहे और आपस में भाईचारे के साथ रहे। जो नफरत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बोए हैं गाँव में, शहर में, सब जगह, उनको हम लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया, जो कांग्रेस पार्टी ने संदेश दिया, सब लोगों को जोड़ के हिलमिल के रहेंगे। और जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक कभी भी कोई परिवार, समाज या देश तरक्की नहीं कर सकता। यही बात हम समझाने के लिए आए और हम काफी गांव में गए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और हमने आग्रह किया कि हम जब भी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा आएगी और हमारे आगर सुझने के पास जब यात्रा आएगी, तो हमारे पूरे जिले भर से हजारों की संख्या में लोग उनको स्वागत में हो जाएंगे। आगामी आपकी अगली कल भी क्या भारत जोड़ो यात्रा रहेगी गाँव में? हमारी लगातार कल भी यात्रा है 8-9 गाँव में। हमारी रोजाना लगातार करीब 20 तारीख तक तो फिलहाल हमारी यात्राएं 11 विधानसभा के अंदर चलेंगी।